आज हैदराबाद में एक और रोड एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस रोड एक्सीडेंट में हुसैनी आलम के निवासी मुकर्रम बेग पूरी तरह से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार घायल हुए युवक हुसैनी आलम से नामपल्ली की ओर जा रहे थे कि तभी ट्रक के चपेट में उनकी बाइक आ गई, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची है। घायल मुकर्रम बेग को ग्लोबल हॉस्पिटल प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले को दर्ज कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। एक लड़का मेहरीपट्टनम का रहने वाला यहाँ से गुजर रहा था, तो एक पानी की टैंकर, जो टैंकर वालों का जो कंपनी का नाम है रोमा टैंकर है, लोकल एरिया के अंदर में सलम बस्तियाँ हैं, सेवक नगर है, शाखा मुसाब की दरगाह का एरिया है, पटेल नगर है, नीचे ओम नगर है, ऐसा सलम एरिया है। तो यहाँ पर लोग जाते आते रहते, इसके अंदर में जो ये टैंकरा लेकर गए, ऐसा दिन रात जो है पानी निकाला जा रहा है, इलीगल तरीके से जो है सप्लाई की जा रही है। मैं हुकूमत तेलंगाना से और आरडीओ से मैं गुजारिश करता हूँ, ये फौरी तौर पे जो है इसको बंद करवाइए। ये जो इलीगल तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर सीरियस एक्शन लीजिए और ये टैंकरों को बंद कराइए। हैदराबाद से मोहम्मद जियाउद्दीन की रिपोर्ट।